हाय दोस्तों, मैं मोहित द्विवेदी। आज मैं आप सभी को एक ऐसे टॉपिक पर ले जाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप साउंड में या डीजे में एक ऐसा स्पीकर खरीदना चाहते हैं जो आपका बजट में भी कम हो, काम भी अच्छा करे, तो उस स्पीकर के बारे में आज मैं आप सभी को बताऊँगा। आप सब मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए ले चलते हैं आपको उस टॉपिक पर। दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार द्विवेदी। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि क्या स्पीकर खरीदना है, कौन सा खरीदना है और कितने में आपको मिलेगा। तो आइए, इसका जो स्पीकर है वो है PIGO 15BM 350, यानी कि 350 वाट का ये PIGO का स्पीकर है, जो कि एक मिड रेंज स्पीकर है। यानी कि इसमें मिड वॉइस, इसमें हल्का सा बेस और थोड़ा सा दोनों आवाज़ आएगी, ठीक है। तो इस स्पीकर के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये है इसका जो सेंसिटिविटी है, ये 97 dB पे काम करता है। इसकी जो पावर रेटिंग यानी कि ये कितने वाट का स्पीकर है, ये 350 वाट AES पावर में होता है। अगर आप इसको RMS पावर पे देखते हैं तो शायद ये 210 के करीब जाएगा, 200 वाट है, 210 के करीब। इसके एम्पिडेंस की बात करें, एम्पिडेंस कहें तो ये कितने ओम पर काम करता है ये स्पीकर। इस स्पीकर का जो एम्पिडेंस पावर है वो है 1 ओम पर ये वर्क करता है, अच्छा वर्क। इसका जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो है 42 3000, यानी कि 40 से 3000 हार्ज तक। अब ये फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होता है, ये सब आपको आने वाले वीडियोज में देखने को मिलेगी। फिर भी बता देता हूँ कि 40 हर्ट्ज बोले तो ये होता है बेस फ्रिक्वेंसी। 40 हर्ट्ज से लेके 3000 हर्ट्ज तक फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें मिड वॉइस और ट्रेवल की ज़्यादा मात्रा होगी और बेस थोड़ा सा आएगा, बढ़िया आएगा। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी जो है चेचिस टाइप है, चेचिस इसका जो है एल्युमिनियम कास्ट का होता है, कास्ट एल्युमिनियम, ठीक है। मैग्नेट टाइप जो होता है वो फेराइट होता है, फेराइट तो आप सब समझते हैं। आज तक के जो भी PIGO के स्पीकर सब में यही टाइप आता है। और इसकी जो वॉइस कॉइल है वो है 76, यानी कि 76.2 mm, बट इंच में देखें तो 3 इंच की इसकी वॉइस कॉइल है, जो कि अच्छी बात है। कौन मटेरियल होता है वो पेपर का होता है, पेपर से बना होता है इसका। कोई सराउंड मटेरियल जो साइड में होता है चारों तरफ सराउंड का, देखा होगा आपने जंपी होता है, वो होता है क्लॉथ यानी कपड़े का होता है। इसका जो वेट होता है, वजन होता है, वो 8.1 kg होता है। और इसका जो यानी कि यूज है वो हम सब कहाँ कर सकते हैं, इसको आप लाइव प्रोग्राम में और डीजे में दोनों में यूज कर सकते हैं। इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आता है। और इसका जो प्राइस है वो है 4700 रुपये, 4700-5000 के बीच में आपका स्पीकर आ जाता है। आप इसका एक नया वर्जन भी आ गया है जो है PIGO 15BM 350 सेकेंड, ठीक है, आप वो भी खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्पीकर। दोनों का जो स्पेसिफिकेशन है वो दोनों का एक ही है, आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, अच्छा काम करेगा। तो मैं इसको यूज करता हूँ किस पे, ये मैं बता दूँ, मैं इसको स्ट्रेंजर के PVT 1000 पे मैं इसके 4 पीस यूज कर सकता हूँ। अगर आपके पास SPB 3K है स्ट्रेंजर का, तो आप उसमें 4-4 पीस दोनों चैनल पे यूज कर सकते हैं। और बात आती है CA12 की, तो आप इस पे भी CA12 पे भी 4-4 स्पीकर यानी कि 2 ओम पे दोनों चैनल पे चला सकते हैं। बस आज का टॉपिक यही रहा। अगर आपको वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में मैं कुछ खास लेके आने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मोहित हाई फाई डीजे पे। थैंक यू।